Good morning class, this is our new Anaphysio class in which today we will study about the first topic of female reproductive system, that is external genitalia. हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने इसके जनरल फंक्शंस पढ़े थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी. और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एसेसरी में. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो इंट्रोडक्टरी क्लास अपनी हो चुकी थी. आज अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया शुरू करेंगे. उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या चीज़ें आती है और इंटरनल जेनिटेलिया पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती है. तो देखिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में ये छह स्ट्रक्चर्स आती है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूली और वेस्टिब्यूलर बल्ब्स. और इंटरनल स्ट्रक्चर में चार स्ट्रक्चर्स आती है, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज. ये चारों अपन ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्ट्रक्चर के फंक्शंस अपन ने पढ़े थे इन चारों के. और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो छह स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूली, इसके अंदर हम चार और चीज़ें पढ़ते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ऑरिफिस और हाइमन, बर्थोलिन्स ग्लैंड्स और स्कैनीज ग्लैंड. तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो अपन ने इतने सारे नाम लिए हैं, इनको अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस. ये वेजाइना के ऊपर पाए जाने वाले एडिपोज टिश्यू का ऐसा रीजन है जो कि हेयर से कवर्ड रहता है. वेजाइना पर पाए जाने वाला एडिपोज टिश्यू यानी फैट डिपोजिटिंग टिश्यू का वो हिस्सा है, वो भाग है, वो रीजन है जो कि हेयर से कवर्ड रहता है, जिसको अपन मॉन्स प्यूबिस कहते हैं. दूसरी स्ट्रक्चर है लेबिया, मेन स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट की. इसमें खूब सारे नर्व एंडिंग्स और खूब सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इंटरनल ऑर्गन्स को पैथोजन से बचाती है, पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स. और तीसरा, ये सेक्सुअल अराउजल का फंक्शन भी करती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स. जैसे मेल में पेनिस का जैसे फंक्शन है, वैसे यहाँ पे लेबिया का फंक्शन है कि सेक्सुअल अराउजल करवाती है ये. अब इसको अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लेबिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजोरा और माइनोरा. आउटर मोस्ट मेजोरा, ये एडिपोज टिश्यू के दो फोल्ड्स होते हैं जो वजाइना के साइड बॉर्डर पर पाए जाते हैं या साइड में पाए जाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, वजाइना का बॉर्डर बनाते हैं, साइड में पाए जाते हैं. एडिपोज टिश्यू के दो फोल्ड्स होते हैं. ये लेबिया मेजोरा जो है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको एनक्लोज भी करते हैं. जो दूसरे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक तो ये खुद है लेबिया मेजोरा, अपने आप में भी एक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, पर जो दूसरे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ये लेबिया मेजोरा अपने अंदर एनक्लोज करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है. इनको लिटरली अपन लार्ज लिप्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लेबिया मेजोरा ये काफ़ी लार्ज और फ्लैशी दिखाई देता है, तो लिप लाइक इसकी अपियरेंस होती है, तो इसको हम लार्ज लिप्स कह सकते हैं. इसके अलावा इसमें सिबेशियस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं. और प्यूबर्टी के बाद ये लेबिया मेजोरा हेयर से कवर्ड हो जाता है. बिफोर प्यूबर्टी तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, वैसे भी ये जो हेड के अलावा जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे हेयर जनरली नहीं पाए जाते, ना मेल के ना फीमेल के, ना मेल बेबी ना फीमेल बेबी के ऐसे पाए जाते. प्यूबर्टी के बाद ही ऐसा मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है कि एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट हेयर से कवर्ड हो जाता है. और लेबिया मेजोरा वो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है जिसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं. दूसरी स्ट्रक्चर है लेबिया माइनोरा. लेबिया मेजोरा के अंदर जो स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं उनको लेबिया माइनोरा कहते हैं. ये स्किन के स्मॉलर फोल्ड्स हैं या फॉरशिट हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जाते हैं. इनमें ना कोई हेयर फॉलिकल्स होता है ना स्वेट ग्लैंड्स होते, जबकि मेजोरा में अपन ने दोनों चीज़ें पढ़ी थी, पर माइनोरा में हेयर फॉलिकल्स भी नहीं होते, स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होती. इसके फोल्ड्स के अंदर पर और कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, खूब सारी सिबेशियस ग्लैंड्स, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स, खूब सारी वेसल्स और नर्व एंडिंग्स. ये सारी स्ट्रक्चर्स लेबिया माइनोरा में पाई जाती है, जबकि अपन ने ये चीज़ें मेजोरा में नहीं पढ़ी थी.
इसके अलावा ये वेजाइना की ओपनिंग को सराउंड किए रहती है, वेजाइना और यूरेथ्रा के ओपनिंग को सराउंड किए हुए रहती है। वेजाइना क्या है? ये कैनाल है जो कि यूट्रस के लोअर पार्ट को बाहर बॉडी से कनेक्ट रखता है, ज्वाइन करवाता है। यूट्रस के लोअर बॉडी पार्ट को बाहर बॉडी के आउटसाइड जो है वो ज्वाइन करवाता है, वो वेजाइना है। जबकि यूरेथ्रा क्या है? ये एक ट्यूब है जो कि यूरिन को कैरी करती है ब्लैडर से बॉडी के आउटसाइड। तो ब्लैडर और वेजाइना के को सराउंड किए हुए रखता है ये लेबिया माइनोरा, मतलब इसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स पाई जा रही होती हैं, इनकी ओपनिंग, वेजाइना और ब्लैडर की ओपनिंग। ब्लैडर से तो यूरिन पास होएगा और वेजाइना से जो है वो यूट्रस कनेक्टेड रहता है जो कि बर्थ कैनाल बनाएगी, बच्चे के लिए पैसेज वे बनाएगा, ये वेजाइना वाला पार्ट। अब क्लाइटोरिस, ये एक छोटा सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है, छोटी सिलेंड्रिकल यानी छड़नुमा इरेक्टाइल बॉडी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये वल्वा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट पर पाई जाती है। 2 लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस पर ही मीट होते हैं। क्लाइटोरिस वो जगह जहाँ पे 2 लेबिया माइनोरा आपस में मिल रहे हैं। ये काफ़ी छोटा और सेंसिटिव प्रोट्रूजन होता है, स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूजन है बॉडी का। क्लाइटोरिस पर स्किन का फोल्ड पाया जाता है जिसको अपन प्रिप्यूस कहते हैं, स्किन के फोल्ड को प्रिप्यूस कहते हैं, जिसपे खूब सारी नर्व्स जो है उसको सप्लाई कर रही होती है, मतलब नर्व्स काफ़ी अमाउंट में उस एरिया में पाई जाती है। इसी वजह से काफ़ी सेंसिटिव होता है और किसी भी स्टिमुलेशन के प्रति, और जब भी कोई ऐसा स्टिमुलेशन मिलता है तो ये इरेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको अपन इरेक्टाइल बॉडी कहते हैं। जैसे कि मेल में पेनिस होता है वैसे फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है। ये मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, पहले जहाँ अपन ने पढ़ा था ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन, वहाँ पर ये चीज़ें आई थी कि क्लाइटोरिस बहुत सेंसिटिव पार्ट है और इरेक्शन का काम करता है जब कोई स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह के दौरान। फिर स्ट्रक्चर आती है वेस्टिब्यूली, ये लेबिया माइनोरा के से बनी होती है, उसके द्वारा बनी होती है। इस ये एनक्लोज करती है यूरेथ्रल ओपनिंग को, वेजाइनल ऑरिफिस और हाइमन को, और ग्रेटर वेस्टिब्युलर से जो डक्ट्स आती है उनको भी ये एनक्लोज किए रहती है। मतलब वेस्टिब्युली के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग है, वेजाइनल ऑरिफिस और हाइमन है, और ग्रेटर वेस्टिब्युलर से आने वाली डक्ट्स होती हैं। और ये वेस्टिब्युली किससे बना हुआ है भाई? लेबिया माइनोरा से बना होता है। अब इसमें अपन ने ये जो नाम लिया यूरेथ्रल ओपनिंग, ऑरिफिस, हाइमन, डक्ट्स वगैरह, इनको देखते हैं अपन। यूरेथ्रल ओपनिंग वेजाइनल ऑरिफिस के एकदम फ्रंट में, मिड लाइन में पाया जाता है। वेजाइनल ऑरिफिस के एकदम फ्रंट में, मिड लाइन में ये यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जाती है। लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्यूबिक आर्क के नीचे ये होती है, प्यूबिक आर्क से 1 से 1.5 सेंटीमीटर बिलो ये ओपनिंग देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट है वेजाइनल ऑरिफिस और हाइमन, ये वेस्टिब्युली के पोस्टर एंड पर पाया जाता है। ये कम्प्लीटली म्यूकस मेम्ब्रेन के सेप्टम के द्वारा एनक्लोज रहता है, जिसको अपन हाइमन कहते हैं। हाइमन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का एक सेप्टा है जो कि इस वेजाइनल ऑरिफिस को कवर किए हुए रहता है। वेजाइनल ऑरिफिस मतलब वेजाइना वाला वो छेद, वो ओपनिंग है ये एक, जिसको कौन कवर करके रख रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन कवर किए रखती है, जिसको अपन हाइमन कहते हैं। हाइमन वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट इनसाइड लोकेटेड रहता है, हालांकि इसका कोई नॉन फंक्शन हमें अभी तक नहीं मालूम है, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार हाइमन प्रेजेंट रहे। और ये रप्चर्ड हो जाती है कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज, जिसको कहला रहे होते हैं, मतलब ये आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स जो है ये रप्चर हो जाती है। तो इंडिया में ये चीज़ कही जा रही होती है ना कि भाई मैरिज के बाद, फॉरेन में ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि मैरिज के बाद ही हो, पर इंडिया में ऐसा माना जा रहा होता है। तो ये हाइमन जो है इंडिया के अंदर कॉमर टेस्ट के लिए भी काफ़ी आजकल यूज़ करा जाने लग गया है, उसकी रप्चरिंग जो है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान देखी जा रही होती है। इसके अलावा ग्रेटर वेस्टिब्युलर से आने वाली डक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बर्थोलिन्स ग्लैंड पढ़ेंगे। तो 2 बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है
दोनों साइड में, हर एक ग्लैंड में डक्ट होती है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये वेस्टिबुलर आउटसाइड में ये खुलती है। ये वेस्टिबुलर बल्ब के पोस्टर एंड को क्लोज किए रखती है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा। एल्कलाइन म्यूकस क्यों रिलीज हो रहा है भाई? क्योंकि वजाइना की पीएच आप जानते हो एसिडिक होती है, तो वहाँ पे स्पर्म बेचारा अच्छे सर्वाइव कर जाए और वहाँ पर ट्रैवल करता हुआ एंटर कर जाए, तो उसके लिए वहाँ की पीएच को एल्कली होना बहुत ज़रूरी है। और वो किससे होती है? वो इस बर्थोलिन ग्लैंड के एल्कलाइन म्यूकस के सिक्रीशन से, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है एल्कलाइन म्यूकस, जो कि उस पार्ट को जो पार्ट है ये वेजाइनल पार्ट या ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है उसको ल्यूब्रिकेट करता है, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी थोड़ा सा ईजी हो सके। मैंने शायद आपको पढ़ाया भी था अपनी, अच्छा आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने खैर पैथो वाली क्लास में पढ़ाया था कि उसमें होता क्या है कि अगर ये ल्यूब्रिकेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है तो उससे ड्राइनेस अगर वहाँ पर आ जाती है तो ये इंटरकोर्स सही चल नहीं पाता है। इवन मेल के अंदर ग्लांस पैनिस में इंजरी होने का भी जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, तो उस रिस्क को कम करने का काम ये एल्कलाइन म्यूकस करता है जो बर्थोलिन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। नेक्स्ट ग्लैंड है स्कैनीज ग्लैंड, ये लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब ब्लड सप्लाई देखिए भाई, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की आर्टरीज, तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी, इन दोनों की ब्रांच जो है वो इसमें ब्लड सप्लाई करती है, जबकि वेन्स में इंटरनल पुडेंडल वेन, वेसिकल या वेजाइनल वीनस प्लेक्सस और लॉन्ग सेफिनस वेन जो है वहाँ वो यहाँ पर ब्लड ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल या वीनस ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब नर्व सप्लाई, तो बाइलेटरल सोमैटिक नर्व यहाँ पे पाई जाती है एंटीरो सुपीरियर पार्ट और पोस्टर इन्फीरियर पार्ट में। एंटीरो सुपीरियर पार्ट में क्यूटेनियस ब्रांच जो कि इलियो इनगुइनल से आ रही होती है, और दूसरी जेनाइटो फीमोरल नर्व से जेनाइटल ब्रांच आती है, वो आती है एंटीरियर सुपीरियर पार्ट में, जबकि पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट के अंदर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व से पुडेंटल ब्रांच आ रही होती है। ये बाइलेटरल, क्योंकि दोनों साइड बोला ना अपने एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, एंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट में, तो ये बाइलेटरल सोमैटिक नर्व्स होती हैं। वल्वा के दो ग्रुप्स के बीच में ये पुडेंटल नर्व जो है वो पाई जा रही होती है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देख लीजिए भाई, सुपरफिशियल इनगुइनल नोड यहाँ पर होता है, इंटरमीडिएट ग्रुप्स इनगुइनल लिम्फ नोड का भी यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक्सटर्नल इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, ये 3 पार्ट्स हैं लिम्फेटिक के, सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड, इंटरमीडिएट ग्रुप्स ऑफ इनगुइनल लिम्फ नोड और एक्सटर्नल इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस इसके साथ एक्सटर्नल जेनिटल वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिंपल इजी था, आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।